एक बार फिर हम तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे सभी व्यूअर्स का क्रिकेट लाइन गुरु के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आ चुके हैं द 100 का हमारा अगला मुकाबला नदर्न सुपर चार्जर्स बनाम बर्मिंगम फीनिक्स। ये है फोर्थ मैच जो खेला जाएगा हेडिंगले लीड्स में, यानी कि 3 अगस्त को रात 11 बजे से। वेन्यू एनालिसिस की जहां तक बात है तो दोस्तों, हेडिंगले लीड्स में अभी तक द 100 के 8 मुकाबले खेले गए हैं। 4 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए तो वहीं 4 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने अपनी नाम किए हैं। एवरेज स्कोर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम का रहता है 160 रन। नदर्न सुपर चार्जर्स की जहां तक बात है तो उन्होंने 8 मुकाबले इस ट्रैक पर खेले और मात्र 3 मुकाबले जीते हैं। वहीं बर्मिंगम फीनिक्स ने 1 मुकाबला खेला था सुपर चार्जर्स के खिलाफ और वो मुकाबला जीते थे। वेल, ये तो होती है बात वेन्यू की, बढ़ते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन की ओर। दोस्तों, 2 मुकाबले सुपर चार्जर्स और फीनिक्स के बीच हुए हैं, दोनों ने ही 1-1 मुकाबला अपने नाम किया है। तो यहां पर अभी तक दोनों ही टीम्स का पलड़ा समान नजर आता है, लेकिन करंट सीजन में दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 और की प्लेयर्स क्या है, आइए उस पे नजर डालते हैं। भाई, नदर्न सुपर चार्जर्स की बात करें तो टॉम बेंटन, हैरी ब्रूक, मैथ्यू शॉर्ट, बेस दे लीडी, डेविड वीजी, बेन स्टोक्स, एडम होस, रीसी टॉपले, वेन पार्नेल टीम के कप्तान, आदिल राशिद और ब्रेडन कार्सी खेलते नजर आ सकते हैं। अब दोस्तों, की प्लेयर्स के लिहाज से देखें तो बल्लेबाजी में हमें मिलते हैं एडम होस, 8 मैचेस का इन्हें द 100 में अनुभव है और 182 रन बना चुके हैं। वहीं हैरी ब्रूक ने 6 मैचेस में 85 रन बनाए हैं। वेन पार्नेल की जहां तक बात है तो भाई गेंदबाजी के लिहाज से ये अभी तक 40 गेंद फेंक चुके हैं द 100 में, 4 विकेट चटका चुके हैं। डेविड वीजी एज एन ऑलराउंडर टीम के लिए काफी कारगर साबित हो सकते हैं, जिन्होंने 7 मैचेस में 150 रन बनाए हैं और 7 विकेट चटकाए हैं। तो नदर्न सुपर चार्जर्स डिसेंट नजर आती है, चाहे वो बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। यहां पर अगर इनके ओपोनेंट्स की बात करें, यानी कि बर्मिंगम फीनिक्स की, तो दोस्तों मोइन अली टीम को लीड कर रहे हैं बेन डकेट, लियम लिविंगस्टोन, विल स्मीड, हेनरी ब्रूक्स, बेनी हॉवल, शादाब खान टीम में शामिल हुए हैं, एडम मिलने, केन रिचर्डसन, क्रिस वोक्स और तनवीर सांगा खेल सकते हैं। अब दोस्तों, इस प्रोबेबल 11 में आपके लिहाज से क्या चेंजेस हो सकते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए की प्लेयर्स की ओर बढ़ते हैं। भाई, बेन डकेट टीम के लिए कारगर साबित हो सकते हैं, जिन्होंने 8 मैचेस में 220 रन बनाए हैं। विल स्मिट की अगर हम बात करें तो 8 मैचेस का इन्हें अनुभव है द 100 का और 179 रन इनके खाते में है। मोइन अली टीम को लीड भी करेंगे और भाई अच्छा प्रदर्शन की हम उम्मीद भी करेंगे, 8 मैचेस में 172 रन इनके नाम है और 5 विकेट चटका चुके हैं। वहीं गेंदबाजी के लिहाज से आप यहां पर केन रिचर्डसन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने 130 गेंदें फेंकी है द 100 में और 13 विकेट चटकाए हैं। वहीं बेनी हॉवल ने 155 गेंदें फेंकी हैं और 9 विकेट अपने खाते में जोड़े हैं। तो ये हैं कुछ उम्दा खिलाड़ी बर्मिंगम फीनिक्स की ओर से। दोस्तों, ओवरऑल अगर हम देखें तो बर्मिंगम फीनिक्स के पास ऑप्शंस ज्यादा अवेलेबल हैं, दे हैव वैरायटी ऑफ बॉलर्स और धाकड़ बल्लेबाजों के कॉम्बिनेशन के साथ ये टीम नदर्न सुपर चार्जर्स पर चार्ज करती नजर आ सकती है विक्ट्री की ओर। भाई, आपका क्या ख्याल है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कौन सी टीम ये मुकाबला जीत रही है। एंड इफ आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप पहली बार आ रहे हैं क्रिकेट लाइन गुरु चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।